हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय चावला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आज से आपको सीए आईपीसीसी एडवांस अकाउंट्स की कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अच्छे टॉपिक्स के रिवीजन करवाऊंगा जस्ट फॉर नवंबर 17 एग्जाम के लिए। सो नवंबर 17 एग्जाम आईपीसीसी अकाउंट्स 2 मतलब एडवांस अकाउंट्स जो कि एग्जाम होगा 11th को, 11th ऑफ नवंबर। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे और कुछ इम्पोर्टेंट उन वीडियोस के जरिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपका रिवीजन होगा, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एएस और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और मैं आरटीपी की भी चर्चा करूँगा किसी एक वीडियो में। मुझे आशा है कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे और इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो चलिए अपन पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AS11। AS11 जो कि इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बहुत आईपीसीसी में बच्चों को हल्का फुल्का सताता है। तो AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे। सो AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन की, जल्दी से जल्दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करने की बात कर रहे हैं। सो AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो चलिए अब स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान में रखने हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग करेंसी, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है रिपोर्टिंग करेंसी। ये रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है सर? रिपोर्टिंग करेंसी मतलब वो करेंसी जैसे इंडियन करेंसी, डॉलर, रुपया, यूरो, पाउंड, ऐसी कोई भी करेंसी जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करते हो। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जनरली किस करेंसी में रिपोर्टिंग होती है? इंडियन करेंसी में, रुपये में। तो रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब होता है करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्टेड, जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी करेंसी होती है फॉरेन करेंसी, दूसरी करेंसी होती है फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। AS11 में दो टाइप की करेंसी है, एक रिपोर्टिंग करेंसी और एक फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी करेंसी जो रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा हो, मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग करेंसी फिक्स हो गई तो फॉरेन करेंसी आपकी उसके अलावा जितनी भी करेंसीज होंगी वो सब फॉरेन करेंसीज होंगी। सो करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि फॉरेन करेंसी एक करेंसी से ज्यादा होती है? यस, मतलब ये बोल सकते हैं मोर देन वन, और रिपोर्टिंग करेंसी जनरली वन। जनरली वन मतलब आप मोस्टली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन करेंसी में ही रिपोर्ट करके सबमिट करते हो। जैसे एक लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी रेगुलेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है, जहां कंपनीज एक्ट लगता है। तो दोनों कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करिए इंडियन करेंसी में। बट सपोज अगर एक वही कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है किसी फॉरेन कंट्री में भी, तो उस फॉरेन कंट्री के लॉज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मान लो उनको डॉलर में भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं, तो डॉलर भी उनके लिए बन सकती है रिपोर्टिंग करेंसी। सो करेंसीज हो गई दो प्रकार की, रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी। चलिए अब बात करते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट टर्म की,
मॉनिटरी आइटम्स, मॉनिटरी आइटम्स। ये मॉनिटरी आइटम्स क्या होते हैं? आप मॉनिटरी आइटम्स को ये मत समझिएगा कि वो आइटम्स जिनकी मनी टर्म्स में वैल्यू मेजर की जा सकती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी मॉनिटरी आइटम्स या नॉन मॉनिटरी आइटम्स की बात होगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ असेट और लाइबिलिटीज की बात होगी, इनकम्स और एक्सपेंसेस की बात नहीं होगी। सो मॉनिटरी असेट्स, मॉनिटरी आइटम्स या नॉन मॉनिटरी आइटम्स हम जब भी बात करेंगे तो हमारे मन में क्या आना चाहिए बेटा? हमारे मन में आना चाहिए असेट्स और लाइबिलिटीज। सो मॉनिटरी आइटम्स में भी असेट्स लाइबिलिटीज, नॉन मॉनिटरी आइटम में भी असेट्स लाइबिलिटीज। तो मॉनिटरी आइटम्स में कौन सी असेट्स एंड लाइबिलिटीज आती है? मॉनिटरी आइटम्स में वो असेट्स और वो लाइबिलिटीज आती है जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में फिक्स हो। मेजर तो ठीक है, मेजर तो हर असेट और लाइबिलिटी को किया जा सके, वो तो मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है। बट ऐसी असेट और लाइबिलिटी जो कि फिक्स हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे या फिर कैश। तो मॉनिटरी आइटम को पहले हम पहले लिखता हूं मैं, उसके बाद में आपको और इसके बारे में डिफाइन करूंगा। मॉनिटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड। मनी हेल्ड जैसे ही आ जाए इसका मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कैश या बैंक डिपॉजिट्स। सो मनी हेल्ड एंड एनी असेट ऑब्लिक लाइबिलिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड टू बी रिकवर्ड और सेटल्ड, टू बी रिकवर्ड और सेटल्ड। अब मैं ये रिकवर्ड और सेटल्ड जब वर्ड लगा रहा हूं ना, तो असेट के केस में रिकवरी और लाइबिलिटी के केस में सेटलमेंट। असेट के केस में मुझे मिलेगा और लाइबिलिटी के केस में मुझे पे करना पड़ेगा। सो कोई भी ऐसी असेट और लाइबिलिटी जो या तो कैश के फॉर्म में हो, बैंक अकाउंट के आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हो, या फिर ऐसी कोई भी असेट, अगर असेट की बात करें तो जहां मेरा रिकवरी एक फिक्स है, मुझे पता है कि दैट इज डिटरमाइंड, मुझे मिल जाएगा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। या दूसरा लाइबिलिटी मेरा फिक्स है कि मुझे पता है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे असेट के केस में डेटर्स, लोन्स, अगर हमने हमने किसी को लोन्स दिए हैं तो हमें पता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमें रीपे किया जाएगा। और लाइबिलिटीज के केसेस में भी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज के केसेस में लोन्स फ्रॉम बैंक्स। सो इन सबको कहते हैं मॉनिटरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब मॉनिटरी आइटम्स। तो हम इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या रख सकते हैं? डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स। डेटर्स, क्रेडिटर्स और लोन्स, तो इनको बोलते हैं मॉनिटरी आइटम्स। तो इसका मतलब बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं कि मुझे बिल्डिंग से एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी 26 लाख में, मान लो मैंने अपनी असेट बेची तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 26 लाख वैल्यू है, तो मुझे जरूरी नहीं कि 26 लाख रुपए ही मुझे रियलाइज होंगे। जबकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स दिख रहे हैं 50,000 के, तो दैट इज फिक्स्ड, आपको पता है कि मुझे फिक्स होंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मुझे प्राप्त होगा। बैड डेट्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट जो एक अमाउंट है डेटर्स का वो फिक्स है किसी थर्ड पार्टी के साथ में जो आपको रियलाइज होगा। सो इसीलिए ऐसे आइटम्स को बोलते हैं मॉनिटरी आइटम्स। तो हमने बात की रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी और मॉनिटरी करेंसी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंटली AS 11 में और क्या क्या है स्कोप के बारे में। सो AS 11 जब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, तो आप समझते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट्स मतलब एक्सचेंज रेट, सिंपली जैसे $1 बराबर 65 रुपया। हर दो करेंसीज को आपस में मेजर करने के लिए, यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमें एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है। हर करेंसीज की वैल्यू सेम नहीं होती, उनको सेम लाने के लिए एक फिक्स पॉइंट पे उनके यूनिट्स बराबर करने पड़ते हैं। तो जैसे आप सुनते रहते होंगे कि रुपया की वैल्यू गिर रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है वगैरह वगैरह, तो ये सब एक्सचेंज रेट्स होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हो घूमने, तो आप वहां जाके 1 लाख रुपए थोड़ी खर्च कर पाओगे, आपको उसके लिए चाहिए डॉलर्स। तो आप डॉलर्स कैसे प्राप्त करोगे? आप डॉलर्स प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा और आप अपना 1 लाख रुपए जब बैंक को दोगे तो बैंक आपको उसके बदले कुछ डॉलर्स देगा।
तो डॉलर्स भी आपको 1 लाख डॉलर नहीं देगा, जो भी वैल्यू होगी रुपए की डॉलर के बराबर उसके हिसाब से आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो यहां पर एक्सचेंज रेट्स की बात चल रही है। AS11 क्यों आया, AS11 का कारण काम क्या है? बेटा AS11 का काम यह है कि जो भी एंटिटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जब वो ट्रांजेक्शन करती हैं, तो उनके ट्रांजेक्शन या तो डोमेस्टिक करेंसी में भी हो सकते हैं, मतलब रिपोर्टिंग करेंसी में भी हो सकते हैं, या फिर उनके ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में भी हो सकते हैं। अगर आपके ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक करेंसी में है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने ट्रांजेक्शन को रिपोर्टिंग करेंसी में ही कर रहे हो और आप रिकॉर्ड भी उसी करेंसी में करोगे। बट अगर आपकी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में है और फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करने के बाद जब आपको उस असेट या लाइबिलिटी या इनकम और एक्सपेंस जो ट्रांजेक्शन से पैदा हुआ उसको जब आपको रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट तो आपको कोई दूसरी करेंसी में करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हो, तो आपके लिए रिपोर्टिंग करेंसी हो गई इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, और आपने एक ट्रांजेक्शन किया डॉलर्स में, आपने मशीन खरीदी डॉलर्स में। सो जब मशीन आपने डॉलर्स में खरीदी, तो उस मशीन को जब रिकॉर्ड करोगे तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इंडियन रुपी में। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सचेंज रेट। और ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है आपके बैलेंस शीट पर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, आपकी पोजीशन पर, आपके परफॉर्मेंस पर, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, वो बताता है AS11। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि वो जो भी हमें इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका ट्रीटमेंट AS11 में क्या होगा। सो हमें ये सब बातें पढ़नी होती है। तो AS11 में बेसिकली हम जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले AS11 में इंपॉर्टेंट दो बातें करनी होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात हमें बात करनी पड़ेगी फॉरेन ऑपरेशंस की, फॉरेन ऑपरेशंस। हालांकि एक और तीसरा स्कोप है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मैं लिख देता हूं, जबकि उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अब AS11 से हटके वो इंडेस वाले पार्ट में अप्लाई हो चुका है, एडीएस वाले पार्ट में कवर हो चुका है। तो फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली AS11 में तीन बातें डील होती हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन ऑपरेशंस और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की हम जब बात करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब क्या। कोई भी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी, एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी, नॉट इन फॉरेन कंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप फॉरेन करेंसी में करते हो, जैसे मान लीजिए दो लोग जो इंडिया में बैठे हैं, दोनों इंडियंस हैं, दोनों एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पर उनका जो लेन देन होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। उसका लेन देन किस में होगा, फॉरेन करेंसी में उसका लेन देन होगा, तो उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पता करने के लिए आपको दो कंट्रीज अलग, कोई इंडियन कंट्री के अलावा कोई दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करेंसी का एक्सचेंज जो है वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन में। सो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मतलब एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी, एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी इज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जो फॉरेन करेंसी में होता है वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता है। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए अब ये है क्या, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में करना क्या है, सीधी सीधी बात है, रिकॉर्ड करना है, वी नीड टू रिकॉर्ड दिस। सो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या करना है हमें, वी नीड टू रिकॉर्ड इट, हमें इसको रिकॉर्ड करना है किसमें, वी नीड टू रिकॉर्ड इट इन एट रिपोर्टिंग करेंसी, हमें इसको रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड करना है, रिपोर्टिंग करेंसी हमें इसको रिपोर्ट करना है रिपोर्टिंग करेंसी में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अभी मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल दूंगा वो सब इंडियन करेंसी और डॉलर के हिसाब से दूंगा, मतलब इंडियन करेंसी मेरी रिपोर्टिंग करेंसी होगी और डॉलर मेरी फॉरेन करेंसी होगी। सो मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरी एंटिटी इंडियन कंपनी है, तो उसके लिए इंडियन करेंसी हो जाएगी रिपोर्टिंग करेंसी। अब उसने एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा, सेल परचेज, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ असेट्स, लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन करेंसी, लोन गिवन इन फॉरेन करेंसी,
तो ये सब ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो फॉरेन करेंसी में होगा, मतलब डॉलर्स में अगर हो रहे तो, हमारे एग्जाम्पल में डॉलर। सो हमें अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन करेंसी हमने ट्रांजेक्शन किया, मतलब डॉलर्स में हमने कोई किया, और हम इंडियन एंटिटी है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, पर हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इंडियन करेंसी में ही करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड डॉलर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस में बनाए जाते हैं, इंडियन करेंसी में बनाए जाते हैं। तो वी नीड टू रिपोर्ट इट एट व्हाट, एट रिपोर्टिंग करेंसी, एट रिपोर्टिंग करेंसी, हमें इसको रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग करेंसी किस दिन की होनी चाहिए, तो उसके लिए हम पहले समझेंगे, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट इज इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड द सेकेंड वन इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सो इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहली बार रिकॉर्ड करना, पहली बार रिकॉर्ड करना, मतलब जब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा इनिशियल रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, दूसरी बार रिकॉर्ड करना, नहीं दूसरी बार रिकॉर्ड करना नहीं होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसका जो भी इंपैक्ट जाएगा असेट में, लायबिलिटी में, इनकम में और एक्सपेंस में, तो बस वो चला गया, वो अपने आप चला गया। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करना, बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करना, रीवैल्यू करना। सर बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू, तो सर रीवैल्यू किस चीज का होगा, बेटा आप याद रखिए रीवैल्यू हमेशा असेट और लायबिलिटी का होता है, कभी भी इनकम और एक्सपेंस का नहीं होता है। रीवैल्यू करना असेट लायबिलिटी का, रीवैल्यूएशन किसका होगा, असेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा, ठीक है ना। मैं जानबूझ के ये हिंदी में लिख रहा हूं जस्ट कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। तो बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करना, किसको रीवैल्यू करना, असेट और लायबिलिटी को, इनकम और एक्सपेंस को कभी आप रीवैल्यू नहीं करते हो। So, हमें दो चीजें पढ़नी है, इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्ड करना फर्स्ट टाइम, सेकंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जब आप उसको बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू कर रहे हैं। तो हमें ये दोनों बातें पढ़नी है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं। अच्छा मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब अपन एक और बात कर लेते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए, इनिशियल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है, स्पॉट रेट। ये स्पॉट रेट क्या होता है, स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, स्पॉट रेट मतलब एक्सचेंज रेट, मतलब एक डॉलर बराबर 65 रुपया जो ये एक्सचेंज रेट होता है। तो स्पॉट रेट मतलब क्या, स्पॉट मतलब वो रेट जिस उस दिन का, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, जिस दिन एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन के रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट, उस दिन के रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। तो सर उस दिन तो हो सकता है रेट फ्लक्चुएट किया हो, तो उस दिन के भी कई सारे रेट हो, तो उस दिन के कई सारे रेट में कोई भी रेट ले लो उसको स्पॉट रेट बोलेंगे। ओपनिंग ले लो, क्लोजिंग ले लो, एवरेज ले लो, जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया 1:15:20 पे, तो 1:15:20 का जो रेट होगा वही स्पॉट होगा। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन का एक अप्रॉक्स रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। सो स्पॉट रेट मीन्स एक्सचेंज रेट prevailing on the date of transaction, exchange rate prevailing on the date of transaction, जिस दिन transaction हुआ उस दिन का rate उसको बोलते हैं spot rate। अच्छा एक होगा closing rate, एक क्या होगा closing rate, closing rate मतलब क्या, closing rate मतलब balance sheet जिस दिन बनाए थे वो। आप बैलेंस शीट मोस्टली बनाते हो, अगर ईयरली बैलेंस शीट की बात करें तो 31 मार्च, बट क्वार्टरली बैलेंस शीट की बात करें तो 30 जून, उसके बाद 30 सितंबर, उसके बाद 31 दिसंबर, ऐसे करके जब क्वार्टरली बैलेंस शीट बनती है। तो क्लोजिंग रेट मतलब बैलेंस शीट डेट वाला रेट, बैलेंस शीट डेट पर जो भी रेट था। सो एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन बैलेंस शीट डेट पर जो रेट चल रहा था उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। आई बात समझ में, चलिए वापस आते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन पे। इनिशियल रिकॉग्निशन का क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है इनिशियल रिकॉग्निशन का, क्या करना है।
सो इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जब आप कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड किस पे करना है? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज एट स्पॉट रेट. इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज एट स्पॉट रेट मतलब ये कि जब आप पहली बार कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी को आपको कन्वर्ट करके रिपोर्टिंग करेंसी में लाना पड़ेगा. तो उसके लिए चाहिए आपको एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट के लिए आपको कुछ दिन का रेट लेना है, आपको लेना है जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन का रेट चाहिए आपको. सो ऑलवेज एट स्पॉट रेट. सो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज एट स्पॉट रेट. एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पॉट रेट करके वर्ड लिख के आ रहे हो तो आप अलग से उसको डिफाइन भी करेगा कि स्पॉट रेट मीन्स द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है ना. तो पहली बार जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो वो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होगा. चलिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया. जैसे मान लीजिए मैंने असेट खरीदा क्रेडिट पर, तो मैं एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. तो मैं उसको एंट्री क्या करूंगा, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो मैं उसमें अमाउंट क्या लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा इंडियन करेंसी में. और इंडियन करेंसी में तो मैंने ट्रांजेक्शन किया नहीं, मैंने ट्रांजेक्शन किया डॉलर में, तो मुझे डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट चाहिए. और एक्सचेंज रेट में किस दिन का लूंगा, जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन किया, मतलब स्पॉट रेट. चलिए वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया. अब क्या करना है, जब एक बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद बात आती है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, अब ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होगा? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हमेशा किसका होगा? एफ सी एम आई. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा एफ सी एम आई का. सर ये एफ सी एम आई मतलब, एम आई का मतलब मॉनिटरी आइटम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मॉनेटरी आइटम. मैंने आपको बोला था मॉनेटरी आइटम का जब भी नाम सुनो देखो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में क्या चीजें आती है, असेट और लाइबिलिटी. तो मैं यहां पर असेट और लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं. सो ऐसी कोई भी असेट और लाइबिलिटी जो मनी हेल्ड और एनी अदर असेट और लाइबिलिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड टू बी रिकवर्ड और टू बी रियलाइज. अब मैं उसके आगे लगा रहा हूं फॉरेन करेंसी. तो ऐसी कोई भी एसेट और लाइबिलिटी जो कि मॉनेटरी नेचर की हो, मॉनेटरी आइटम मतलब फिक्स हो, और जो कि रिकवरी या जिसका सेटलमेंट किस में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी. सो ऐसा कोई भी एसेट और लाइबिलिटी जो कि फिक्स हो, रियलाइज फिक्स होने हैं या फिर सेटलमेंट उसका फिक्स होना है, बट वो किस में होना है, फॉरेन करेंसी में, तो उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम. तो हमें बैलेंस शीट डेट पर रिवैल्यू करना है किसका, एसेट लाइबिलिटी. कौन सी एसेट लाइबिलिटी? एफसीएमआई, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का हमें बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यूएशन करना है. सर क्यों, हमें यहां पर हम जैसे थे तो हमने यहां पर एफसीएमआई की बात नहीं की, हमने यहां पर सभी चीजों की बात कर ली. आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, इनकम का, एक्सपेंस का, असेट का, लाइबिलिटी का, इक्विटी का, आपको यहां पर पहली बार रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना. पर जब आप उसको रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट डेट पर लेके आओगे, आप जब उसको बैलेंस शीट और पीएनएल में लेके जाओगे, तो जो इनकम और एक्सपेंस है वो तो पीएनएल में चले गए, पर जो असेट और लाइबिलिटी है जिनकी पोजिशन आपको बैलेंस शीट बताती है, तो उनकी पोजिशन पता करने के लिए आपको उसका रिवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना. क्योंकि जब वो ट्रांजेक्शन आपने पहले रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त रेट हो सकता है कुछ और बैलेंस शीट डेट पे कुछ रेट और हो, तो पोजिशन आपकी चेंज हो गई है टेक्निकली, पर बैलेंस शीट में आपकी हो सकता है वो पोजीशन ठीक नहीं दिख रही हो, तो इसीलिए आपको असेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करना जरूरी है. तो एफसीएमआई का रिवैल्यूएशन होगा एफसीएमआई एट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ एफसीएमआई एट किस रेट पर, एट क्लोजिंग रेट. एट क्लोजिंग रेट, मैंने क्लोजिंग रेट का मतलब क्या बताया था, ऐसा कोई भी रेट जो कि बैलेंस शीट डेट का हो. मतलब सीधी सीधी बात है, आप बैलेंस शीट डेट पर आप असेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हो उसी दिन के रेट पर, ठीक है. आई बात समझ में कि नहीं? सो हम मॉनेटरी आइटम का रिवैल्यूएशन करते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम का रिवैल्यूएशन नहीं करते. नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, इक्विटी वगैरह, जिनकी वैल्यू एक फिक्स नहीं है, उनकी उनका हम रिवैल्यूएशन नहीं करते, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. सो बिल्डिंग और जो नॉन मॉनेटरी आइटम होती है उनको हमेशा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से दिखाएंगे. सो दो बातें हमने पढ़ी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज एट स्पॉट रेट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ एफसीएमआई एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट. एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट अब एक गड़बड़ हो रही है यहां पर, गड़बड़ इन द सेंस कि जब आप ट्रांजेक्शन को इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो. लेट अस से $1 बराबर 65 रुपया ऑन ट्रांजेक्शन रेट. सो आपने 65 रुपया के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, पर बाद में जब आपने उसको रिवैल्यू किया कोई असेट एंड लाइबिलिटी को, उसी ट्रांजेक्शन से पैदा हुई किसी असेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया, तो तब तक रेट हो चुका था 67. कितना रेट हो चुका था? 67. तो 65 पे रिकॉर्ड किया था, बट जबकि रेट हो चुका था 67, तो 2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा.
जब आप एसेट को या लायबिलिटी को रिवैल्यू करोगे तो आपकी डेबिट में या तो क्रेडिट में 2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा पर डॉलर पे। तो जो ये 2 रुपए पर डॉलर का जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। सो इफ डिफरेंस अराइज देन इट विल बी एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस। एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस, इसको हम एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस बोलेंगे। मतलब इसको एक्सचेंज डिफरेंस को एक्सचेंज गेन का नाम देंगे या एक्सचेंज लॉस का नाम देंगे। तो अब ये एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस कहां जाता है? ये एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल रूल। ये एक जनरल रूल है। जनरल रूल का मतलब इसका कुछ एक्सेप्शन होगा पर वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस अगर होगा तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गेन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सो एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल रूल, जनरली। जनरली क्यों सर? जनरली क्यों? इसका कोई एक्सेप्शन है? यस, इसका एक एक्सेप्शन है। चलिए पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ जी, तो जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में 2 चीजें होंगी, इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन होगा स्पॉट रेट पर, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, इनकम का, असेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, कोई भी। जब बैलेंस शीट डेट पर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम आपको ढूंढना है, और फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का रिवैल्यूएशन करना है। और फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का जो रिवैल्यूएशन होगा वो क्लोजिंग रेट पर होगा। रिवॉल्यूशन करके, क्लोजिंग रेट पर करके उसका रिवॉल्यूशन, जो भी उसका डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। अब हम बात करते हैं आगे कि एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस पीएनएल में तो चला गया और आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी कर लिया, अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ ज्यादा खास नहीं बचा। अब एक इसका एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं कि कब एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस को हमें पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पैरा नंबर 46, पैरा नंबर 46/46A ऑफ AS 11। सर हमें क्या पैरा करके सारे आंसर्स में पैरा नंबर में देना है क्या? नहीं, बट जो जो इंपॉर्टेंट पैरा होते हैं, जैसे AS 11 में एक ही इंपॉर्टेंट मतलब पैरा होता है, पैरा 46, जो हमें कोट करना जरूर चाहिए। अगर हम कोट करके आते हैं तो इट विल बी मोर बेटर। तो पैरा आप कोट करके आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सो पैरा नंबर 46 क्या है AS 11 का? देखो बेटा, ऐसा है कि जब मैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करता हूं, क्या करता हूं? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ठीक है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किसका करता हूं? FCMI का, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का। अच्छा, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करता हूं, किस रेट पे करता हूं? एट क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट पे मैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करता हूं किसका? FCMI का। तो क्या राइज होता है? फॉरेन एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। पॉइंट अब यह है कि एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस को मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना चाह रहा हूं। क्यों सर? मोस्टली क्या होता है कि जो कंपनीज के लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं या कुछ पेबल्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे केसेस में जब वो अपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करती है लाइबिलिटीज का या कुछ असेट्स का, तो उनको एक्सचेंज लॉसेस अगर हो रहे हैं तो वो एक्सचेंज लॉस उनको डालना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इस वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है और उनके प्रॉफिट्स, अच्छे खासे प्रॉफिट्स एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस के चक्कर में लॉसेस के में बदल जाते हैं, नेट लॉस में बदल जाते हैं, या तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। अब एंटिटीज नहीं चाहती कि अपने लॉसेस, मतलब वो लॉसेस शो करें या अपने वो प्रॉफिट्स को कम शो करें,
वो नहीं चाहती, क्योंकि बेसिकली आप सिर्फ अपनी एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे हो, सही में आपने उस बैलेंस शीट पे एसेट और लाइबिलिटी को सेटल नहीं कर लिया, रिकवर नहीं कर लिया, आप तो सिर्फ रीवैल्यू कर रहे हो। तो टेक्निकली जो एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन होता है वो कहीं ना कहीं अनरियलाइज्ड होता है, अनरियलाइज्ड होता है बैलेंस शीट डेट पर, एट बैलेंस शीट डेट। तो वो बैलेंस पर अनरियलाइज्ड है तो कंपनीज नहीं चाहती कि हम अनरियलाइज्ड गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएं, स्पेशली उन एफसीएमआईज में जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। ऑल्दो जो एफसीएमआई शॉर्ट टर्म नेचर के, मतलब विद इन 12 मंथ्स वो सेटल हो जाएंगे, उनका तो कोई टेंशन नहीं, आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट एंड लॉस में उनका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। जब वो सेटल होंगे उस वक्त तो रेट चेंज होगा, उस वक्त तो आपको सही में नुकसान या फायदा होगा, उस वक्त तो आप उसको बोलोगे रियलाइज नेचर। तो शॉर्ट टर्म के केस में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसका तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट जाना ही है विद इन नियर 12 मंथ्स। बट जो लॉन्ग टर्म नेचर की एफसीएमआई होती है, जो सेटल होंगी 10 10 साल में, 15 15 20 20 साल में सेटल होंगे, 5 5 साल में सेटल होंगे, उनके जब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस जो होंगे वो अनरियलाइज नेचर के, तो बेवजह मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट क्यों डालूं, क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो उसके लिए कहा गया अगर एफसीएमआई लॉन्ग टर्म नेचर की है, लॉन्ग टर्म नेचर की है। अब सर ये लॉन्ग टर्म नेचर की एफसीएमआई है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म नेचर की है? कोई भी मॉनेटरी आइटम असेट और लाइबिलिटी का जो कि फॉरेन करेंसी में रिकवर या सेटलमेंट होगा, और जिसका सेटलमेंट और रिकवरी होगा बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, लॉन्ग टर्म मतलब बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर ट्रांजेक्शन डेट। ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रांजेक्शन डेट के बाद 12 मंथ्स देखने, बैलेंस शीट डेट के बाद 12 मंथ्स नहीं देखने, ठीक है ना? जनरली क्या होता है असेट लाइबिलिटी के लिए बैलेंस शीट डेट से देखे जाते हैं 12 मंथ, बट यहां पर आपको देखना है ट्रांजेक्शन डेट से 12 मंथ्स। सो लॉन्ग टर्म नेचर का अगर एफसीएमआई होगा तो उसका क्लोजिंग रेट पे रिकॉग्निशन करने के बाद जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी अराइज होगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस के लिए हमें दिया गया है एक ऑप्शन। क्या ऑप्शन? या तो एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब जैसा हम कर रहे थे वैसा का वैसा करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो, या तो फिर आप उस एक्सचेंज डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर ना करके उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट करो। सेपरेट ट्रीटमेंट, मैं जानबूझ के यहां सेपरेट ट्रीटमेंट लिख रहा हूं, जगह नहीं है, मैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा, सेपरेट उसका ट्रीटमेंट करो। तो ऑप्शन ये है कि या तो मैं उसको ट्रांसफर करूं पीएनएल में जैसे मैं कर रहा था जो मैंने आपको बताया था, या तो मैं उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट करूं। अब ये सेपरेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? मैं सेपरेट ट्रीटमेंट बात कर रहा हूं, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है? अच्छा, ये ऑप्शन जो होता है ये इरिवोकेबल ऑप्शन है। इरिवोकेबल ऑप्शन है मतलब ये कि अगर आपने एक बार इस ऑप्शन को अप्लाई कर लिया कि आपको सेपरेट ट्रीटमेंट करना है, आपको पीएनएल में नहीं डालना है किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ फॉरेन करेंसी, मॉनेटरी आइटम ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के हो आपको हमेशा उसी तरीके से दिखाना पड़ेगा जब तक वो सेटल या रिकवर नहीं हो जाती। आप अपने ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते बाद में सब्सिक्वेंट। सो व्हाट सेपरेट ट्रीटमेंट, व्हाट इज दैट सेपरेट ट्रीटमेंट? किस चीज का सेपरेट ट्रीटमेंट? सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस का सेपरेट ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या चीजें होंगी सेपरेट ट्रीटमेंट में? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अल्टीमेटली मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको पेंडल में इकट्ठा नहीं ले जाऊं। मैं अगर पेंडल में इतना सारा बड़ा सारा अगर मैं एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस ले जा रहा हूं तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ये डिसाइड करूंगा कि एक्सचेंज डिफरेंस किस नेचर का है। एक्सचेंज डिफरेंस की मैं कैटेगरी बनाऊंगा, मैं कैटेगरी बनाने के लिए उसको दो भाग में डिवाइड करूंगा। इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिलेटेड टू एनी, इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिलेटेड टू एनी डेप्रिशिएबल असेट, इज रिलेटेड टू एनी डेप्रिशिएबल असेट।
अगर एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड है किसी डेप्रिशिएबल एसेट से, कैसे मतलब समझ नहीं आया। आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया मशीन खरीदने के लिए, जो फॉरेन करेंसी लोन लिया वो 5 साल का था। अब जो लोन होता है वो मॉनेटरी आइटम होता है, आपने लोन लिया डॉलर में तो वो बन गया फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। 5 साल के लिए लिया तो मतलब वो 12 महीने से ज्यादा पीरियड का हो गया, तो मतलब वो हो गया लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। और वो लोन का पर्पस क्या था कि आप उससे मशीन खरीदोगे। अब उसी लोन पर क्या अराइज हो रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्सचेंज डिफरेंस इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट, मतलब वो डेप्रिशिएबल असेट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना था इसलिए मैंने लोन लिया, इसलिए आज मेरे को एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है। सो इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिलेटेड टू एनी डेप्रिशिएबल असेट तो ये बन जाएगी एक पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी बन जाएगी इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट। अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा। सो इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिलेटेड टू एनी डेप्रिशिएबल असेट, अगर डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो हमें क्या करना है, एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस शैल बी, मैं बल्कि एक काम करता हूं, एक्सचेंज लॉस ऑब्लिक गेन शैल बी एडेड टू और फ्रॉम द कॉस्ट डेप्रिशिएबल असेट। मतलब ये कि अब अगर एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस आया तो मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाऊंगा, मैं उस एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस को, अगर लॉस होगा तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कौन सी असेट, वही डेप्रिशिएबल असेट जिसके लिए मैंने ये लोन लिया, जिससे ये रिलेटेड है। तो अगर लॉस होगा, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो चला जाएगा असेट में ऐड होके। और अगर एक्सचेंज गेन हुआ मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो असेट की कॉस्ट से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इससे होगा क्या, असेट की वैल्यू बदल जाएगी, रिवाइज्ड वैल्यू हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे, डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज, डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू, ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा डेप्रिशिएबल असेट की रिवाइज्ड वैल्यू पर। मतलब लॉस को ऐड करने के बाद या गेन को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब इसका लॉजिक समझो, सबसे पहले तो आपका ये था कि एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस अनरियलाइज्ड है, तो बैलेंस शीट डेट पर आप उसको पीएनएल में नहीं दिखाना चाहते हो इतना बड़ा सारा। पर देखो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो वो पीएनएल में आएगा ही आएगा, तो एक काम करो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डालो। कैसे, आप अगर वो एक्सचेंज डिफरेंस अगर आपका किसी असेट से रिलेटेड है, डेप्रिशिएबल असेट से, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगाते ही लगाते हो, और डेप्रिसिएशन कहां डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक काम करो, एक्सचेंज डिफरेंस को ले जाओ प्रॉफिट असेट की कॉस्ट में। जैसे ही आप असेट की कॉस्ट में लेके गए तो आप लगाओगे डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पर। जब रिवाइज वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो या तो ज्यादा आएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, या तो डेप्रिसिएशन पहले के बजाय थोड़ा कम आएगा। तो अल्टीमेटली ये ज्यादा आना या कम आना क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। और एक्सचेंज डिफरेंस इनडायरेक्टली कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, बट वो थोड़ा थोड़ा करके हर साल। सो अल्टीमेटली लॉजिक इसी यही चीज है कि हर चीज जानी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, बट तरीका सब अलग अलग होता है कि कुछ चीजें डायरेक्ट चली जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करके अमोटाइज होके जाती है। तो आप ये समझ सकते हो कि हम यहां पर एक्सचेंज डिफरेंस को अमोटाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा। पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे इसके बाद नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट की।
हाँ जी, आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब बात करते हैं उस सेकेंड इफेक्ट की, सेकेंड बात की, जो बताता है कि अगर एक्सचेंज डिफरेंस नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट हो तो क्या होगा। सो इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, अगर एक्सचेंज डिफरेंस डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड ना हो तो क्या होगा। देखिए डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड नहीं है तो अब मैं डेप्रिशिएबल एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं कर सकता हूं एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो इफ एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, एक्सचेंज गेन या लॉस को एक ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू कहां, एक स्पेशल अकाउंट में, ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट। कौन सा स्पेशल अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा अकाउंट है। यस, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, एफ सी एम आई टी डी अकाउंट, एफ सी एम आई टी डी अकाउंट, एफ सी मिट डिफरेंस अकाउंट। सो ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट। अब ये एफ सी एम आई टी डिफरेंस ये कहां जाएगा, ये शो कहां होगा, ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये शो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर किया जाएगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जो रहेगा वो दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पहली बात। ठीक है, ये तो हो गया फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में चला गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस को अमोर्टाइज करूंगा, अमोर्टाइज इक्वली, अमोर्टाइज इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। मतलब वो जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का जितना भी लाइफ है, जनरली जैसे लोन, आपने लोन लिया 2016 में और वो लोन खत्म होगा 2019 में, तो 2016 से लेकर 2019 तक आप उसको अमोर्टाइज करोगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को, आप उसको इक्वली अमोर्टाइज करोगे 19 तक। मान लीजिए उसका लाइफ है 2025 तक, तो आप उसको 2020 तक ही अमोर्टाइज करोगे सिर्फ। सो अमोर्टाइज इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ असेट, लाइफ ऑफ एलटीएफ सीएमआई और टिल 31st मार्च 2020 विच एवर इज हायर, सॉरी हायर नहीं, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर जो पहले आए। मतलब मुझे किसी भी हाल में एफ सी मिड डिफरेंस अकाउंट को 2020 तक खत्म करना है, अमोर्टाइज करना है। आई बात समझ में, अब वो अमोर्टाइज कैसे होगा, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया तो 1,00,000 रुपए का डिफरेंस आया, आपने उसको ओरिजिनली 4 साल में डिवाइड करके अमोर्टाइज कर लिया, ओरिजिनल 4 साल की आपने लाइफ देखी, तो 1,00,000 / 4 25,000 आपने अमोर्टाइज करके पेंडल में ले गए, बाकी 75,000 आप उसको रिजर्व इन सरप्लस में दिखा रहे हो। अगला साल आया, अगले साल आप उसको फिर से सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करोगे क्योंकि हर बैलेंस शीट डेट पर रिवैल्यूएशन होगा। जब अगले साल आपने फिर से सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया तो उसमें एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 10,000 का और ज्यादा, 10,000 का और एक्सचेंज डिफरेंस, सॉरी मान लीजिए 15,000 का डिफरेंस आ गया, और भी 75 का डिफरेंस पहले से रखा था, 15 का और मान लीजिए डेबिट डिफरेंस आ गया, पहले भी 75 का डेबिट रखा था, 15 का और आ गया, तो टोटल हो गया 75 + 15 = 90। अब कितना समय रखा है, 3 साल और बचे हैं, तो 90/3 मतलब 30,000 का डिफरेंस चला जाएगा पीएनएल में, बाकी रिमेनिंग बचेगा 60,000। तीसरा साल आया, तीसरे साल में एक्सचेंज डिफरेंस आया, मान लीजिए एक्सचेंज डिफरेंस तीसरे साल में आया 20,000 का, पर इस बार आया गेन, मतलब अलग क्रेडिट बैलेंस आया, आपके पास कितना रखा हुआ है 60,000 डेबिट बैलेंस, जबकि इस बार आया 20,000 का गेन, तो 60 - 20 कितना हो गया 40,000 का नेट। अब 40,000 को आपको अमोर्टाइज करना है रिमेनिंग 2 years, तो डिवाइड बाय 2 मतलब 20,000 आप चलोगे पेंट में, तो आपको इस तरीके से आपको अमोर्टाइज करना है एफसी मिड डिफरेंस अकाउंट को। और अनअमोर्टाइज बैलेंस कहां दिखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखेगा, अनअमोर्टाइज बैलेंस, अनअमोर्टाइज
बैलेंस, अनअमोर्टाइज बैलेंस को आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है। सो बेटा दिस वॉज योर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, मतलब ये हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट था। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के ट्रीटमेंट में इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा स्पॉट रेट पे होगा हर ट्रांजेक्शन का, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का होगा, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर होगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो उसको हम पीएनएल में लेके जाएंगे। जनरल रूल पैरा 46 से ही कहता है कि आपको एक ऑप्शन है, या तो आप अप्लाई करो जैसा आप करते हो, या तो अगर आपको वो नहीं करना पीएनएल में नहीं ले जाना तो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है तो आप उस केस में लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के केस में पैरा 46 एप्लीकेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है जो कि बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट हो रहा है, जो कि जिसका सेटलमेंट, तो लॉन्ग टर्म के केस में आप एक काम करिए, आप उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करके क्लोजिंग रेट पर एक्सचेंज डिफरेंस जो आए अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड होगा तो आप उसको डालोगे एसेट की कॉस्ट में, ऐड या लेस करोगे, रिवाइज वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में आ जाएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस। और अगर वो किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको एक स्पेशल अकाउंट में डालो, एफसी मिड डिफरेंस अकाउंट, उस अकाउंट को अमोर्टाइज करो इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ दैट LTFCMI और 2020 विच एवर इज अर्लियर। मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है कि 2020 तक ये ट्रीटमेंट है ही है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। सो 2020 तक उसको खत्म कर दो, इक्वली अमोर्टाइज कर लो पीएनएल में। सो दिस वॉज फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रीटमेंट, सेकेंड स्कोप क्या था? ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस। आपको ध्यान होगा आईपीसीसी एडवांस अकाउंट्स में आपका एक टॉपिक है ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स करके आपका एक टॉपिक है। तो ब्रांच अकाउंट्स में दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच जो होती है उसको कहीं ना कहीं AS 11 से ही लिंक किया जाता है। तो यहां पर जो हम फॉरेन ऑपरेशन की बात करेंगे तो फॉरेन मतलब यहां पर हम फॉरेन ब्रांच की बात करेंगे, फॉरेन ब्रांच की बात। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फॉरेन ऑपरेशन की बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं फॉरेन ऑपरेशंस की। फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस मतलब सिंपल है कि अगर एक एंटिटी है जो इंडिया में अपना काम कर रही है और उसका ऑपरेशन, उसका बिजनेस इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री में भी चल रहा है, इधर बाय वे ऑफ ब्रांच और बाय वे ऑफ सब्सिडरी, बाय वे ऑफ ज्वाइंट वेंचर वगैरह, कुछ भी हो सकता है। सो फॉरेन ऑपरेशन को का मतलब होता है कि अगर आपके ऑपरेशंस बाहर चल रहे हैं तो फॉरेन ऑपरेशन में सबसे पहले दो कैटेगरीज होगी। सबसे पहले एक कैटेगरी होगी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक होगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल में बस एक ही फर्क है, आप ये समझ लीजिए कि अगर मैनेजमेंट पूरा का पूरा मेरे हाथों में है, मैं अपने डिसीजन मेकिंग सब कर रहा हूं, मैंने अपना एक यूनिट ओपन किया है बाहर की कंट्री में,
उस वहां का भी मैनेजमेंट मेरे हाथों में है, सारी डिसीजन मेकिंग मेरे हाथों में, सब चीजें मुझसे पूछ के करते हैं, और मैंने उनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में क्रिएट नहीं किया है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन ये समझ लीजिए कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पे बनाई गई है, एक अलग कंपनी वहां पे बनाई गई है, एक अलग मैनेजमेंट वहां पे बनाया गया है, मैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर पा रहा हूं, बट छोटे छोटे डिसीजंस मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ रहा हूं, वहीं पे पूरे लिए जा रहे हैं, मतलब एक सेपरेट एंटिटी अलग है। सो यहां पर आप समझोगे कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है, यहां पर बेसिकली एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आते हैं ब्रांच, और नॉन इंटीग्रल एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो यहां पर आते हैं हमारी सब्सिडरी कंपनीज की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये इस तरीके से होता है। अब सर आपने कैटेगरी डिवाइड किया है तो डेफिनेटली इसके अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। यस, फॉरेन ऑपरेशंस को हमें ट्रीट करने के लिए पहले हमें देखना पड़ा कि कैटेगरीज अलग अलग है। क्या करना है फॉरेन ऑपरेशन में, सिंपल सा रूल है, आप सामने देखिए, एक ए लिमिटेड जो कि इंडिया में बैठे, उसका टीवी मतलब ट्रायल बैलेंस इंडियन करेंसी में होगा उसका टीवी, और उसका एक ब्रांच मान लीजिए वो अमेरिका में बैठा है, तो उसका टीवी किस में होगा, डॉलर्स में, उसका टीवी किस में होगा, डॉलर्स में। अगर दोनों ट्रायल बैलेंस को कंसोलिडेट करके दिखाना है ए लिमिटेड को, क्योंकि ए लिमिटेड को अपनी जब बैलेंस शीट बनाना है तो कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, मर्जर करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करने के लिए ये जो टीवी है, ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो चीजें हैं, ये सब इधर आने के लिए क्या होगा, इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये समझना जरूरी कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन हो रहा है या नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का ट्रांसलेशन हो रहा है। सो हमें ट्रांसलेशन टेक्निक समझनी है। चलिए आइए इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन टेक्निक क्या है, ट्रांसलेशन टेक्निक क्या होगी। ऐसा है कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें आती होंगी, असेट, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इक्विटी, सभी चीजें आती होंगी। ट्रांसलेशन टेक्निक कुछ ऐसी है इंटीग्रल के केस में कि जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, मैं फिर से बोलूंगा, मॉनेटरी आइटम्स आपको ध्यान आ रहा होगा, असेट और लाइबिलिटी की बात की थी हमने, तो जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको हमें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट वाला एक्सचेंज रेट लेना है, क्लोजिंग डेट पर एक्सचेंज रेट लेना है, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो। जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, नॉन आइटम्स है, उनको हमें स्पॉट रेट लेना है। स्पॉट रेट लेना है मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनली जिस दिन का ये ट्रांजेक्शन अकर हुआ होगा इन आइटम्स का, उसी दिन का रेट लेना है, ठीक है। अच्छा, नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू, हो सकता है कुछ नॉन मॉनिटरी आइटम्स जैसे इन्वेंट्री या ऐसा कोई असेट या लायबिलिटी जिस जो कि नॉन मॉनिटरी नेचर का हो, जिसको आप फेयर वैल्यूएशन करते हो, तो कैरीड एट फेयर वैल्यू, उसके लिए क्या करोगे, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, जिस दिन आप फेयर वैल्यू लेते हो ना, जिस दिन का फेयर वैल्यू लिया आपने उसी दिन का एक्सचेंज रेट आपको लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू आइटम की। रेवेन्यू आइटम मतलब इनकम्स या एक्सपेंसेस, इनकम्स और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आइटम्स की। तो रेवेन्यू आइटम्स का क्या करना है, इनकम्स और एक्सपेंसेस का क्या करना है, हमें रेवेन्यू आइटम्स को करना है एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। अब ओपनिंग और क्लोजिंग किस दिन का, दो बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फिर मैं आपको अकाउंट्स टू मतलब अकाउंट एडवांस अकाउंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं वैसे बता रहा हूं। पहले प्रैक्टिकली, एवरेज रेट कभी भी साल के बिगनिंग का और उसी साल के एंड का नहीं ले सकते। एवरेज रेट होगा तो वो, पर हम वो एवरेज रेट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो जाएगा 12 महीने का, हम वो रेट नहीं लेना चाहिए। एवरेज होना चाहिए 10-15 दिन का एवरेज, मैक्सिमम महीने भर का एवरेज। यहां पर हम जब बात करते हैं एवरेज रेट की तो मोस्टली वो 10-15 दिन का एवरेज या महीने भर के एवरेज की बात करते हैं। बट क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में
तो आपको महीने का एवरेज के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, या 10-15 दिन के एवरेज निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आप वहां पर आपको बिगनिंग का रेट, मतलब साल के बिगनिंग का और साल के एंड का रेट दिया होगा, तो आपको वही रेट मानते हुए एवरेज रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज रेट आपको वो लेना पड़ेगा रेवेन्यू आइटम्स के लिए। मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स, क्रेडिट, फेयर वैल्यू, रेवेन्यू आइटम्स, इनकम एक्सपेंसेस। अब इनके अलावा दो और ऐसे आइटम होंगे ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जो कि वो स्पेशल होंगे। क्या? अगर ब्रांच ने ड्यूरिंग द ईयर अपने होल्डिंग कंपनी के साथ या फिर हेड ऑफिस के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया होगा, दोनों ने आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया होगा, तो हो सकता है इसकी बुक्स में ब्रांच दिख रहा हो, ब्रांच अकाउंट दिख रहा हो, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट दिख रहा हो। यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट, यहां पर डेबिट, तो दोनों की बुक्स में एक दूसरे के अकाउंट दिख रहे होंगे, जो कि कंसोलिडेशन करते वक्त तो खत्म हो जाएंगे, बट सेपरेट बुक्स में अगर देखें तो दिख रहे होंगे एक दूसरे के नाम से लेजर बैलेंसेस। तो पहला, जब एक पर्सनल अकाउंट नाम से हेड ऑफिस अकाउंट या ब्रांच अकाउंट अगर आपको दिखता है तो उसका क्या होगा? और दूसरा, ब्रांच ने अगर गुड्स खरीदे होंगे साल भर में, मान लीजिए हेड ऑफिस सप्लाई करता है गुड्स की ब्रांच को ताकि ब्रांच बेच सके, तो ब्रांच के पास जो अकाउंट होगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, वो भी तो डॉलर के फॉर्म में होगा, और एक हेड ऑफिस अकाउंट भी डॉलर के फॉर्म में होगा। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए मुझे कोई एक्सचेंज रेट लगाने की जरूरत नहीं है। यही दोनों चीजें, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस तो यहां पर होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच इंडियन करेंसी में, और यहां होगा हेड ऑफिस अकाउंट तो यहां होगा ब्रांच अकाउंट। तो यही दो चीजें इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट की जा सकती है बिना किसी एक्सचेंज रेट के, कहां से लेके, जो कि सेम बैलेंस अपियर हो रहा होगा हेड ऑफिस की बुक्स में। तो हम बात कर रहे हैं हेड ऑफिस अकाउंट एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। हमें क्या करना है, हमें इनका एक्सचेंज रेट नहीं लेना है, सेम बैलेंस अपीयरिंग इन हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस। जो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में बैलेंस अपीयर हो रहा है हमें वही का वही लेना पड़ेगा। सो ये था इंटीग्रल ऑपरेशन के ट्रांसलेशन टेक्निक्स। आपको क्या लगता है, ये सब हमने ट्रांसलेट कर लिया, हो गया काम? यहां आप क्लोजिंग रेट ले रहे हो, यहां आप स्पॉट रेट ले रहे हो, दो रेट अलग अलग, यहां आप फेयर वैल्यूएशन की डेट का रेट ले रहे हो, तीसरा आ गया, यहां आप एवरेज ले रहे हो, चौथा आ गया, और यहां तो आप बिल्कुल ही अलग कर रहे हो कि आपने यहां पे रेट नहीं लिया, आपने बैलेंस ले लिया, तो मतलब सारी चीजों के बेस बराबर नहीं है। तो डेफिनेटली इस ट्रांसलेशन के कारण एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा। क्या अराइज होगा? एक्सचेंज डिफरेंस। सो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा, एक्सचेंज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। भाई बात समझ में आपको, इज इट क्लियर? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, दैट्स इट। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का क्या होगा। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए कि नॉन इंटीग्रल, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन इंटीग्रल की। चलिए अब बात करते हैं अपन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की।
बातें वही है, अगेन नॉन इंडिकल फॉरेन ऑपरेशन मतलब सब्सिडियरी कंपनी या फिर कोई ब्रांच जिसके ट्रायल बैलेंस डॉलर में होंगे, मुझे ट्रांसलेट करना है इंडियन करेंसी में जस्ट टू कंसोलिडेट फिगर्स। कंसोलिडेट करने के लिए ट्रांसलेशन टेक्निक चाहिए, अब उसका डिस्कशन करते हैं। चाहे मॉनेटरी आइटम हो चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम हो, दोनों क्लोजिंग रेट पे आएंगी, एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। बहुत बढ़िया, मतलब अब यहां पर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट असेट उठाओ, लायबिलिटी उठाओ और पूरा उसके ऊपर क्लोजिंग रेट लगा लो। आई बात समझ में कि नहीं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू, सेम ट्रीटमेंट, सेम नहीं, चलो सेम इन द सेंस जैसा इंटीग्रल में था वैसा सेम। सो एक्सचेंज रेट ऑन फेयर वैल्यूएशन डेट, ठीक है। रेवेन्यू आइटम्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस, यहां थोड़ा सा चेंज है, यहां आपको एक्चुअल रेट लेना पड़ेगा, मतलब स्पॉट रेट लेना पड़ेगा इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आपको एक्चुअल रेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज एवरेज रेट, एवरेज रेट। वहां क्या था? एवरेज रेट। यहां बोलता है कि एक्चुअल रेट लो, नहीं हो सकता है तो एवरेज रेट लो। और यहां पर हेड ऑफिस और गुड्स रिसीव, सेम ट्रीटमेंट, सेम एज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एट क्लोजिंग रेट, और यहां आपको ध्यान रखना है एक्चुअल रेट, अगर मिले तो, नहीं तो एवरेज रेट। चलिए, एक्सचेंज डिफरेंस यहां पर भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेट्स अलग अलग है। एक्सचेंज रेट अगर यहां, एक्सचेंज डिफरेंस अगर यहां आया, मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आया, तो हम उसको डालेंगे FCTR। व्हाट इज दिस FCTR? जैसे मैंने आपको पैरा 46 में बताया था, एक स्पेशल अकाउंट FC मिड डिफरेंस अकाउंट, जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जाते हैं और अमोर्टाइज करते हैं, वैसे ही ये होता है FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। पर याद रहे, एफसी मिड डिफरेंस अकाउंट की तरह इसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा, शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर हमेशा, हाँ जी, जब तक आपके पास ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब सब्सिडरी या ब्रांच जब तक रखी हुई है, तब तक ये हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस में FCTR रखा रहेगा। बस हर साल जब जब सब आप उसको कंसोलिडेट करोगे तो ये सब चीजें आ रही होंगी। जिस दिन आपने उस ब्रांच को, नॉन इंटीग्रल ब्रांच को खत्म कर दिया या फिर सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर लिया, सेल कर लिया, सब्सिडरी आपकी अब वो नहीं रही, तो जितना भी आपका FCTR में वैसा रखा हुआ है उसको आप स्विच करके पेंडल में लेके जाओगे। तो शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज सोल्ड और डिस्पोज्ड। जब आप उसको सेल करोगे या डिस्पोज करोगे तो ये FCTR को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, अब इसको आप एक बार देख लीजिए, मैंने आपको पूरा AS 11 कर दिया। और हाँ जी, एक पॉइंट और बच गया, इनके अलावा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी आप यहां तक एक बार देख लीजिए एंड देन उसके बाद आप अपना पूरा AS रिवाइज कर लीजिए, AS 11 को। चलिए, अब मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।